हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस एट कैसे आप सभी लोग आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं तो डियर अगर आप मेरे चैनल पर आए तो सभी से रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को और अगर अभी तक आपको आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप करें एंड आज का जो टॉपिक है वो ये है कि फुल मून के बाद आपके पार्टनर ने किस तरह की चीज़ों को रिलीज़ किया है कौन सी टॉक्सिसिटी को इस पर्सन ने रिलीज़ किया है लेट्स सी ओके okay गाइस तो यहाँ पर क्या निकल कर आ रहा है यहाँ पर कार्ड है साइलेंस कॉम्प्रोमाइज रीबर्थ लवर्स मोरालिटी आउटसाइडर माइजर रिसेप्टिविटी बर्डन एंड हारमोनी ओके तो इस फुल के बाद जो चीज़ें हैं वो काफी खामोशी से भरी जा रही हैं यानी कि काफी मतलब तो आपके पर्सन बहुत ज्यादा अगर बोलते थे ठीक है अगर बोलने की कला बहुत ज्यादा थी या फिर बहुत ही मैनिपुलेटिव टाइप थे तो यहाँ पर एनर्जी आ रही है साइलेंस की ठीक है तो सबसे पहली चीज़ तो इस पर्सन ने बोलना कम कर दिया है ठीक है एनर्जी को सेव करने लगे हैं अननेसेसरी और बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ें नहीं बोलते हैं ठीक है मतलब था इस पर्सन के अंदर इस तरह का कि कुछ भी बोलना है मैन्यूपलेट करना है झूठ बोल देना है ठीक है आपको नहीं पता है कि आप झूठ बोल रहे हो उसका क्या असर होता है तो साइलेंस की एनर्जी आ रही है ओके सो so, यहाँ पर आपके पर्सन के अंदर खामोशी आई है कम बोलना कम बोलने लगे हैं फुल मून के बाद आप इस पर्सन की बातों में एक यू नो जितनी बात भी बोलेंगे ना तो काम की बात बोलेंगे अननेसेसरी और मैनुपलेसन आप इस पर्सन के अंदर नहीं देखेंगे दूसरा कार्ड आ रहा है कॉम्प्रोमाइज़ का तो एंजल्स ने कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये चीज़ कहा है कि अभी थोड़ा सा झुको लाइक आपका ईगो जब बहुत हाई होता है ना तो आप ये कहते हो कि सामने वाली सारी चीज़ें हैं आपके अकॉर्डिंग काम करनी चाहिए लेकिन आप अपने आप में परिवर्तन करेंगे ही नहीं और आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे तो मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है एंजल्स ऐसा कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके पर्सन ने फुल मून के बाद यहाँ पर मतलब इस फुल मून पर ये चीज़ भी रिलीज़ कर दी है और इस पर्सन के अंदर यूनिवर्स ने इसको इतना ग्राउंडेड किया है कि अब ये कॉम्प्रोमाइज़ करना सीख रहे हैं कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब हो गया कि अगर यू uh, नो you know, आपको कोई एक चीज़ पानी है तो डेफ़िनेटली आपको कहीं कही ना कहीं हर चीज़ के साथ मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको कोई चीज़ चाहिए और आपको कुछ छोड़ना भी ना पड़े ठीक है हर चीज़ की एक बेसिकली uh, कहते हैं की, कीमत चुकानी पड़ती है तो आप ईगो में रहकर uh, किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा लंबे समय तक अपने पास नहीं रख रह, रह सकते ठीक है उसके लिए आपको कहीं ना कहीं थोड़ा झुकना पड़ेगा थोड़ा संभालना पड़ेगा थोड़ा समझना पड़ेगा थोड़ा समझाना भी पड़ेगा ओके स्पेशली अगर आप किसी कनेक्शन में या फिर किसी मैरिज में है राइट तो वो यहाँ पर है तो टॉक्सिसिटी सबसे ज्यादा इस पर्सन के अंदर यही थी कि ये पर्सन एक तो ईगो में बहुत ज्यादा रहते थे और मतलब मैनुपलेट करते थे जब भी इस की गलती पकड़ी गई बट uh, यहाँ पर एनर्जी अभी फिलहाल जो है वो ये है कि आपकी खामोशी चल रही है और कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी लाइक इट्स ओके इट्स ओके अगर कुछ चीज़ आपकी मर्जी से नहीं हो रही तो कोई बात नहीं दूसरे की मर्जी से हो जाने तो ये चीज़ इस पर्सन के अंदर आ गई है नेक्स्ट कार्ड वी हैव रिवर्थ एंड लवर्स डेफिनेटली ये पर्सन अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस महसूस कर रहे हैं ये पर्सन ऐसा कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो लव है या आपका कुछ कनेक्शन है इस कनेक्शन के इस कनेक्शन ने इस पर्सन को काफ़ी हद तक बदल दिया है यानी कि रीबर्थ की एनर्जी है ठीक है लोग कहते हैं नफ़रत बदलती है लोग कहते हैं गुस्सा बदलता है लोग कहते हैं कि बेवफाई बदल देती है मैं कहती हूँ कि कुछ नहीं इनमें से कुछ भी नहीं बदलता है अगर कोई ना कोई चीज़ पूरी अगर आपको पूरी तरीके से चेंज कर दिए तो वह लव ठीक है कोई भी आपको किसी तरीके से चेंज नहीं कर सकता ना ही आपको यू you नो know, वो किसी ने आपको बैकस्टैप कर दिया वो चीज़ आपको चेंज करती है लोग कहते हैं कि आ, अच्छे इंसान को तकलीफ दे दी इसलिए वो चेंज हो जाता है नो आपको कोई चीज उतना चेंज नहीं करती उतना परिवर्तित नहीं करती जितना कि लव ठीक है सो वो यहाँ पर एनर्जी है रीबर्थ का सो ये मैसेज दे रहे है आ, काफी, काफी हैं पर्सन की मतलब काफ़ी काफ़ी ज़्यादा बड़ा परिवर्तन इस पर्सन के अंदर हुआ है फिल्म उनके बाद काफ़ी रिलीज़ किया है आपको बताती हूँ अगर जब आपको ये चीज़ रिलीज करते हो या फिर आपके ऊपर से नेगेटिविटी हटती है तो आपका जो यू you नो know, आपका जो चेस्ट है उस पर से हैवीनेस हट जाती है लाइक like, uh, जब आपके ऊपर कोई यू नो आपके ऊपर अब जब किसी चीज का बोझ आपके ऊपर है लाइक like, आपके अंदर बहुत नेगेटिव एनर्जी है तो आप ये आप ये नोटिस करेंगे कि आपका जो मतलब ये वाला जो एरिया चेस्ट है ठीक है आपका हार्ट आपके एक तो हार्ट चक्र में बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है या दूसरी चीज़ होती है कि आपको बहुत हैवीनेस फील होती है ऐसा लगता है कि आपको सांस नहीं आ रही ठीक है उसका कारण होता है कि आप भी समझ जाइए कि आपके और फील्ड में बहुत नेगेटिविटी है जिसको आपको क्लियर करने की जरूरत है और जैसे ही वो और में नेगेटिविटी क्लियर होती है ठीक है आप देखेंगे आपको बड़ा हल्का हल्का सा फील हो रहा है आपकी लाइट बॉडी आपको फील होगी आपको ऐसा लगेगा कि आपके बॉडी में जैसे वजन ही नहीं है जितना ज़्यादा आप असेंड होते जाएंगे ना उतनी ज़्यादा बॉडी आपकी लाइट होती जाएगी आप नोटिस कीजिएगा ठीक है और जितना ज़्यादा आप हैवीनेस में रहेंगे डार्कनेस में रहेंगे नेगेटिविटी में रहेंगे उतनी आपकी बॉडी हैवी होती जाएगी उतना ही आपको ना हमेशा हर वक्त चलने में उठने में सांस फूलेगी आपकी ठीक है आपको हर समय थकान सी महसूस होगी ऐसा लगेगा कि मैंने पता नहीं कितने दिन से मैंने कितने पत्थर उठा लिए हैं या फिर मैं पता नहीं कितना काम करके आएँ आप कोई भी काम नहीं करेंगे ना उसके बाद भी आपको बहुत हैवीनेस फील होगी कारण कि आपकी एनर्जी में और में नेगेटिविटी है जिसकी वजह से वो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रही है और यहाँ पर अगर आप बहुत ज्यादा असेंड हो रहे हैं लव की एनर्जी में हैं अपने आप को अपने और फील्ड को क्लियर कर रहे हैं आप देखेंगे आपको इतनी लाइट बॉडी आपका वेट कितना भी हो सिक्सटी सेवेंटी एट्टी कितना भी वेट हो आपका आपको अपने अंदर बहुत लाइट महसूस होगा ठीक है ऐसा लगेगा कि आप जब तो पतंग है पतंग बनकर हवा में उड़ रहे हैं कुछ वैसा आपको फील होगा जैसे जैसे आप असेंड होंगे ठीक है क्योंकि आपके अंदर से बहुत नकारात्मकता हटती है ठीक है तो वो मेरे को यहाँ पर फील हो रहा है कि काफी कुछ इस पर्सन ने फुल मून पर रिलीज कर दिया है अपने अंदर से बहुत नेगेटिविटी ठीक है एंड ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स ही कराते हैं देखिए जब आपकी अविकनिंग अवेकनिंग का प्रोसेस चल रहा होता है तो आप कुछ कुछ लोग खुद से काम करते हैं उनको थोड़ा उनके उन पर टू एक्स से यू you नो know, ग्रोथ होती है लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं कि अपने आप से काम नहीं कर पाते तो यूनिवर्स उनसे करवाता है जैसे कुछ लोग कमेंट सेक्शन में आते हैं तो लिखते हैं कि मैम आज बहुत हैवीनेस लगी थी आज मैं दो घंटे रो लिया तो आपके अंदर कुछ पड़ा हुआ था जैसे यूनिवर्स ने ट्रिगर किया दो घंटे आपको रुलाया वो सारी एनर्जी जब आप रोए तो वो रोते रोते वो पूरी एनर्जी आपसे बाहर निकल गई यानी स्ट्रॉन्ग आपको परजिंग हो गई और वो चीज़ यूनिवर्स ने आपके अंदर से रिलीज कर दी हमेशा के लिए ठीक है ना तो जब आप खुद से नहीं कर रहे हो तो हीलिंग तो फिर यूनिवर्स यहाँ से से ट्रिगर दे के आपके अंदर से वो चीज बाहर निकाल के आपको रुला दुला के और वो चीज क्लियर आउट कराते हैं तो ऐसे होती है फिर हीलिंग ठीक है ना तो हीलिंग का ही वो प्रोसेस है जो आप कहते हो कि आज मैं बहुत रो लिया या फिर आज मुझे किसी ने ऐसा कह दिया या ट्रिगर कर दिया तो वो प्रोसेस है ठीक है ना यहाँ पर है मोरालिटी एंड आउटसाइडर ओके हम्म मोरलिटी कार्ड के साथ डेफिनेटली यहाँ पे uh, इस पर्सन का इनर चाइल्ड हील हुआ है ठीक है यहाँ पर ऐसा मैसेज दे रहे हैं एंजल्स की आ, आपके पर्सन ने इस फुल मून पर इनर चाइल्ड को हील किया है अपने ठीक है मोरालिटी यानी थोड़ी समझदारी आई है जो आपके सबकॉन्शियस में बचपन में चला गया ठीक है वही एक मतलब कुछ लोग ओथ डाल लेते हैं ओथ का मतलब हो गया उन्होंने कह दिया कि मुझे तो मैरिज नहीं करनी अब वो कंटिन्यूस बोलते गए बोलते गए बोलते गए सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ फिट हो गई अब अब वो एज अब वो मैरिज के टाइम पर हैं मैरिज करना चाहते हैं डेट भी कर रहे हैं लोगों को लेकिन कहीं बात नहीं बन होने कारण क्योंकि आपने कुछ सबकॉन्शियस में पहले ही गलत तरीके का डाला हुआ है जिसे आपको क्लियर आउट करने की काफी ज्यादा जरूरत है जब वो आप सबकॉन्शियस को क्लियर करेंगे सबकॉन्शियस की हीलिंग करेंगे वो चीज़ अपने अंदर से रिलीज करेंगे देन जाकर आपका वो आगे का जो पाथ है जो डोर आप चाहते हो कि खुल जाए मैरिज का वो खुलता है ठीक है ना इस तरीके की कुछ बचपन में चीज़ें होती हैं जो आप करते जाते हो बिना बोले आप कुछ भी मतलब बिना समझे सोचे समझे आप चीज़ें बोलते जाते हो आजकल तो आप हर इंसान के मुंह पर सुनेंगे क्या करना है कनेक्शन में आकर यू नो मैरिज करके लाइक वो एनर्जी यहाँ पर मेरे को नज़र आ रही है और फिर मोरालिटी कार्ड के साथ डेफिनेटली थोड़ी बहुत बट अंडरस्टैंडिंग इस पर्सन के अंदर ज़्यादा आई है एंड इनर चाइल्ड डील हुआ है कुछ इस तरीके की इश्यूज इस पर्सन के अंदर थे ठीक है या फिर कनेक्शन uh, को लेकर इशू देखिए कुछ जगह पर ऐसा भी होता है जैसे लेकिन एक बच्चा है वो अपने पेरेंट्स को बहुत झगड़ते हुए देख रहा है ठीक है बहुत ही उसने देखा कि उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा फाइटिंग करते हैं बहुत ही ज्यादा फाइटिंग करते हैं अब यहाँ पर क्या होगा ना कि वो बच्चे के दिमाग में वो चीज़ फिट हो जाएगी ठीक है कि हस्बैंड वाइफ यानी मैरिज मतलब फाइटिंग ठीक है मैरिज इज इक्वल टू फाइटिंग अब उसके माइंड में वो चीज़ बैठ गई क्योंकि तो उसने बचपन से देखी अब अपना टाइम जब आएगा उसका वो स्टेज आएगा तो अपने कनेक्शन में उसी चीज को लेकर मतलब वो उसका टिगर पॉइंट है बेसिकली वो फियर है उसके अंदर ठीक है तो अब थोड़ा सा भी झगड़ा अगर उसके पार्टनर उसने किसी को डेट किया और उसके पार्टनर के साथ उसका थोड़ा सा भी झगड़ा होगा तो उसको वही चीज याद आ जाएगी कि मेरे पेरेंट्स कैसे झगड़ते थे मैरिज करने के बाद तो अगर मैं भी मैरिज करता हूँ या करती हूँ तो हमारा भी ऐसा ही झगड़ा होगा ये उसका एक बिलीव सिस्टम बन जाता है जो अब उसकी लाइफ को अफेक्ट करने वाला है कैसे कि अगर झगड़े नहीं भी हो रहे होते तो अब उसका सबकॉन्शियस जो है वो झगड़े करवाएगा क्योंकि वो उसके अंदर ऑलरेडी फिट है पहले से इसीलिए कहा जाता है कि सबकॉन्शियस हीलिंग करो जो भी रिजल्ट आपको नहीं मिल रहे हैं कहीं ना कहीं लैक आपके अंदर से आ रहा है तो वो चीज़ मेरे को यहाँ पर आउटसाइडर कार्ड में नज़र आ रही है ठीक है कि आपके पर्सन ने इनर चाइल्ड इशू कोई था क्योंकि उसे हील किया है यहाँ पे यूनिवर्स के थ्रू हील हुआ है वो ओके हम्म नेक्स्ट कार्ड वी हैव एंड रिसेप्टिविटी ओके तो पहले आ, ये पर्सन ये सोचती थी कि मैं कैसे बहुत सारी चीजों को से मैं बहुत सारी चीजों को बांट मतलब यू you नो know, कैसे इकट्ठा करूं लाइक like, अब जो इस पर्सन की एनर्जी है ये बांटने में विश्वास कर रहे हैं यहां पर मुझे लगता है कि काफी ज्यादा इस तरह की जो एनर्जी थी ना अपने पास रखना इकट्ठा कर करके कर रखना कर कर कभी इसका रख लेना कभी उसका रख लेना कभी उसका रख लेना बहुत ज्यादा इकट्ठा करके रख लेना जो माइजर की इस पर्सन की एनर्जी थी उसे यूनिवर्स ने क्लियर आउट किया एंड रिसेप्टिव एनर्जी में ये पर्सन जा रहे हैं मतलब कौन सी लाइक अनकंडीशनल लव को ऊपर से लेना और अनकंडीशनली बांटना ठीक है हम देखिए हम अपने पर्सनली हम क्या ले

इस वक्त में मतलब लव को स्प्रेड कर रहे हैं अनकंडीशनल लव को स्प्रेड कर रहे हैं है, तो वो क्या कर रही है ठीक है तो उसका माध्यम आपको बनाया गया है तो आप वही कर रहे हो तो कहीं ना कहीं कुछ लोग क्या होते हैं ना कि इकट्ठा करके रख लेते हैं अब इतनी ऊर्जा मैंने आपको पहले बताया था कि इकट्ठा करके रख लोगे तो संभालोगे कैसे अफकोर्स आप नहीं संभाल सकते ठीक है सो यहाँ

ओके okay. जो चीज़ पहले उस परसन को बर्डन लगती थी देखिए जब हम हाँ अपनी मनमानी करना चाहते हैं अपनी मर्जी से काम करना चाहते हैं तो हर चीज़ बर्डन लगती है ये ऐसा हो गया ऐसा हो जाता तो अच्छा होता ये ऐसा हो गया ओ माय गॉड ऐसा हो जाता तो अच्छा होता हर चीज़ अपने अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग प्लान करना ठीक है अब यहाँ पर यूनिवर्स क्या करते हैं इस जर्नी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी मर्जी के हिसाब से काम ही नहीं होंगे ठीक है मतलब आपके प्लान्स तो ऐसे फेल होते हैं जैसे किसी ने यू you नो know, आप आपने एक प्लान बनाया और किसी ने लेकर रायता फैला दिया पूरे प्लान के ऊपर ठीक है यूनिवर्स खुद ही फैला देते हैं फिर आप सोचेंगे कि आपके प्लान्स तो काम ही नहीं कर रहे हैं ठीक है क्योंकि आपको कुछ और लर्निंग देनी है किसी और डायरेक्शन में मोड़ना होता है तो आपको हर चीज़ बहुत बोझ लगती है

परमात्मा के साथ ऑल्सो आप अप, अपने आसपास के लोगों के साथ क्योंकि आप यहाँ पर ये मान गया है कि मेरे प्लान्स किसी काम के नहीं है ठीक है जो हो रहा है उसे होने देते हैं ठीक है कब जब भी कोई रास्ता ना नजर आ नजर आए कि कहाँ कैसे जाऊँ क्या करूँ कौन से हाथ पर मारने से भी कुछ ना मिले जस्ट गो विद द फ्लो गो विद द फ्लो गो विद द फ्लो आपको इतना बढ़िया किनारा मिलेगा आने वाले समय में कि आप सोच भी नहीं सकते जो हो रहा है उसे होने दो चिल्लाओ मत परेशान मत करो ना खुद को ना यूनिवर्स को ठीक है सो ये चीजें नजर आ रही हैं गाइज आपको कितनी अच्छी डीटी लगी और आपने क्या रिलीज़ किया है फुल मूड पर मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब माय चैनल थैंक यू गाइज